हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। सारी नजरें हम पे टिकी हुई है ना। शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान जैसे बड़े एक्टर्स की आवाज आपको विदेशी फिल्मों में सुनाई दी। आम भारतीय आज धड़ल्ले से हिंदी में हॉलीवुड और विदेश की पिक्चरें देख रहा है। अब स्थिति ये है कि देश में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों से ज्यादा बिजनेस शांग ची फिल्म ने किया है। वजह, क्योंकि भारतीय दर्शकों के लिए ये फिल्म हिंदी डब्ड वर्जन में तैयार की गई। तो है कौन? पर ये कोई आसान काम नहीं है, इसके पीछे होती है ढेर सारी मेहनत, रिसर्च और क्रिएटिविटी। काश मैं ऐसा कर सकता। किसी कंटेंट को सिर्फ ट्रांसलेट कर देने भर से काम नहीं चलता, इसे लोकलाइज करना सबसे जरूरी स्टेप है। यानी ऐसे शब्दों, मुहावरों और उदाहरणों का इस्तेमाल जिससे भारतीय ऑडियंस कनेक्ट कर सके। पब्लिक थिएटर में टमाटर मारेगी तो चलो रॉक करें। जय माता दी। उदाहरण के तौर पर इन्फिनिटी स्टोन्स फिल्म के टाइटल को लेकर काफी बहस चली। इन्फिनिटी का हिंदी अनंत होना तो तय था, पर स्टोन को पत्थर कहना जम नहीं रहा था। लंबी बहस के बाद कीमती पत्थरों को उंगलियों में मणि बनाकर पहनने वाली ऑडियंस के लिए अनंत मणि नाम पर सहमति बनी। ये अनंत मणि हमारी जिंदगी को वक्त के सांचे में ढालकर बहाते हैं। हिंदी डब्ड वर्जन की डेडपूल और जंगल बुक काफी फेमस है। बाइलिंगुअल ऑडियंस ने इसके हिंदी वर्जन को इंग्लिश से ज्यादा सराहा है। शायद इसलिए मुझे लाइसेंस नहीं मिला। अब जंगल बुक में सिर्फ डायलॉग्स को हिंदी कर देने से फिल्म का मजा खो जाता, तो बल्लू को पंजाबी कैरेक्टर में ढाला गया। निकी निकी है और फिकर ना कर, ये वाली डंकनी मार दी। फिल्म में हॉलीवुड के फॉरेस्ट के इंटरेस्टिंग सस्पेंस को भारत के जंगलों के अलहड़पन में उतारा गया। जंगल बुक में शिफाली शाह से लेकर नाना पाटेकर, इरफान खान और प्रियंका ने भी आवाज दी है। फिल्म में मोगली की मासूम आवाज जसलीन सिंह ने दी है। हाँ, पर अगर वो डाली नहीं टूटती तो मैं बच जाता। इसी तरह लायन किंग के विजुअल्स में यूपी झारखंड के इलाके की झलक देखने को मिली, इसीलिए फिल्म में कनपुरिया डायलॉग्स का जमकर इस्तेमाल किया गया है। जास्ती सोचा तो हो जाएगा लोचा। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म में रोबोट विजन का एक कुकिंग सीन है। इसे बॉलीवुड ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए डायलॉग है, एक चुटकी मिर्च की कीमत तुम क्या जानो विजन बाबू, एक चुटकी सिंदूर। मतलब साफ है, फिल्मों को हिंदी ऑडियंस के लिए तैयार करना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं। आजकल बड़े स्टार्स की आवाज फिल्मों में ली जा रही है। ये ऑडियंस को कनेक्ट करने में मदद करती है और एक्सपीरियंस्ड स्टार्स अपनी आवाज से ही कैरेक्टर में जान फूंक देते हैं। जैसे फ्रोजन में प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा ने एल्सा और आना के किरदारों को आवाज दी है। और मम्मा की दो बेटियां हैं, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, वादा? पक्का वादा। तो ये थी हॉलीवुड को भारत की सरजमी पर उतारने की जद्दोजहद की एक झलक। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, आप देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।